ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के हरे भरे सूबे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के पंत नगर में। जी हां, जहां जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में सालाना किसान मेले में एक शानदार ऑल इंडिया कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने में अपना अहम रोल अदा किया जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने। इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया और संयोजक रहे डॉक्टर के पी सिंह, जो एक खूबसूरत शायर हैं और उन्हें विकल बैराइची के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो के आखिर में डॉक्टर के पी सिंह विकल बैराइची आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो भी जरूर सुने। तो देखा आपने, जी हाँ दोस्तों, ये हैं जनाब तकी बाजपुरी साहब। इनके गले में हार डाले गए लोगों ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई कुछ इस तरह से की कि मानो शायरी नहीं सुन रहे हैं लोग, किसी खेल के मैदान में किसी खिलाड़ी का खेल देखकर उसकी हौसला अफजाई कर रहे हों। और क्यों ना बजाते लोग तालियां, क्योंकि तकी बाजपुरी साहब ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की, जो एक बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भरोसा है और अपनी शायरी पर भरोसा है, तो उन्होंने अपनी शायरी से लोगों का दिल जीत लिया। देखिए पूरा वीडियो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं भाई तकी बाजपुरी साहब, जो अच्छे शायर हैं। मैं उनको चार पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। तिरंगा ये हमारी जान है, ईमान मेरा है। तिरंगा ये हमारी जान है, ईमान मेरा है। ये गीता भी हमारी और ये कुरान मेरा है। तिरंगा ये हमारी जान है, ईमान मेरा है। ये गीता भी हमारी और ये कुरान मेरा है। रगों में दौड़ता है जो लहू है एक जैसा ही। रगों में दौड़ता है जो लहू है एक जैसा ही। चलो मिलकर बता दे कि हिंदुस्तान मेरा है। ऐसी शायरी करने वाले भाई तकी साहब अंसारी, बाजपुरी साहब के द्वारा माइक पर आ जाए। स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे सीधे मैं चार पंक्तियां हाजिर कर रहा हूं और हौसला अफजाई भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तालियां बजाएंगे तो उतना हौसला अफजाई मिलती रहेगी। ताजा चार मिसरे पढ़ रहा हूं, विकल जी देखें। स्वागत स्वागत। हो गया जुदा लेकिन मेरा यार आता है। क्या बात है, क्या बात। हो गया जुदा लेकिन मेरा यार आता है। हो गया जुदा लेकिन मेरा यार आता है। ख्वाब में जब भी प्यार आता है बेशुमार प्यार आता है बेशुमार आता है। जो भाई इधर उधर जा रहा है, अभी बड़े काम की चीजें मैं यहाँ पढ़ने वाला हूँ। क्या बात है। और इस मंच के माध्यम से चार पंक्तियां अभिवृत कर रहा हूँ। स्वागत है भाई। गुरु बसता हो जिस घर में वही तो
गुरु बसता हो जिस घर में वही तो गुरु द्वारा है, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारा है, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारा है, न मुस्लिम ही कहो मुझको न हिंदू ही कहो मुझको, जिए इंसान बनकर हम यही मजहब हमारा है, जिए इंसान बनकर हम यही मजहब हमारा है, जिए इंसान बनकर हम यही मजहब हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चार प्यार हाजिर कर रहा हूँ, जिसे जिसे भी अपने देश से मोहब्बत होगी उसकी ताली खामोश नहीं रहेगी। यहाँ से चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। यही तो आन मेरी है, यही तो शान मेरी है, यही तो आन मेरी है, यही तो शान मेरी है, यही धड़कन है सीने की तिरंगा जान मेरी है, यही धड़कन है सीने की तिरंगा जान मेरी है, तिरंगा झुकने ना पाए भले ही शीश कट जाए, यही सांसें यही ईमान यही पहचान मेरी है, यही सांसें यही ईमान यही पहचान मेरी है, यही धड़कन है सीने की तिरंगा जान मेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चार चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ। गर्दिश में कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। बहुत अच्छे साहब, जिंदाबाद, जोरदार तालियां हो जाए, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहां तक साहब तभी बात पूरी आ रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी और आप देखेंगे। बड़ी साहब शुक्रिया। मैं फिर से मैं चार मिनट से पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत। गर्दिश में तेरा रोज सितारा ही रहेगा, हर जंग में हारा है तुम्हारा ही रहेगा, मत सोच तेरा राज कभी होगा वहां पर, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा, कश्मीर शेर और हाजिर कर रहा हूं। हम अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं देंगे, हम अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं देंगे, जो खून से हंसी ची वो जागीर नहीं देंगे, जो खून से हंसी ची वो जागीर नहीं, कश्मीर नहीं देंगे, जो तुझे कश्मीर नहीं देंगे, है पाप तुझे गज भर कश्मीर नहीं देंगे। चार मिसरे बिल्कुल ताजा नए पढ़ रहा हूँ। सपीक भाई देखें, हम सब की यही माँ है सम्मान से कहता हूँ, हम सब की यही ये शान
सुनते और हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और मेरी चार पंक्तियां शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं है। बहुत अच्छा। शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं है, गम इतना है होठों पे भी मुस्कान। क्या बात है, क्या बात है। गम इतना है होठों पे भी मुस्कान नहीं है, जो नाम पे इस्लाम के आतंक मचाए, जो नाम पे इस्लाम के आतंक मचाए, शैतान की औलाद है ऐसे भी लोग हैं जिनको भारत माता की जय कहने में बड़ी दिक्कत होती है। यहां से चार पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूं। हाथ को का मानवता के धने में, हाथ को का मानवता के धने में, क्या रखा है धर्म के नाम पे बहने में, क्या रखा है धर्म के नाम पे बहने में, मत सोच कि शान है भारत माता की जय कहने में, शान है भारत माता की जय कहने में। इजाजत। आखिर में चार जगह न हो तो एक मतलब दो शेर पढ़ के अपनी जगह ले रहा। स्वागत है भाई, स्वागत है। शोला है बने दिल के जज्बात दिखा देंगे, शोला है बने दिल के जज्बात दिखा देंगे, असली है तेरी जो भी वो जात दिखा देंगे, हो खत्म भी सकता है दुनिया के तू नक्शे से, औकात दिखा देंगे। मेरी जगह तू सीने पे हमला कर, गर मौत का बच्चा है, हम दिन में तुझे तारे और रात दिखा देंगे, हम और रात दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह तभी साहब, वाह देवभूम उत्तराखंड में स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो पंतनगर में स्थित है, हरित क्रांति की जन्मस्थली कही जाती है। और यहाँ पर जो सवा किसान मेला हुआ, इसी में हम कवि सम्मेलन करवाते हैं और किसानों को किसानी से संबंधित तमाम तकनीकी जानकारी देते हुए भी हम कवि सम्मेलन में तमाम शहरों से साहित्यकारों को इकट्ठा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिस तरह से हरित क्रांति की जन्मस्थली कही जाती है, ये साहित्य के क्षेत्र में भी शब्द क्रांति की, भाषा क्रांति की जन्मस्थली बन जाए, मेरी ये कामना है। और मैं इसी शुभकामनाओं के साथ भाई मोहन मुतजी साहब, डॉक्टर ओएस ओम शंकर मिश्रा जी जो हमारे मित्र हैं, और खाली सुल्तानपुरी साहब, सारस्वत साहब, डॉक्टर यदुवंशी साहब, डॉक्टर शर्मा साहब, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286, यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है मुशायरा लाइव.com।